हेलो, हाय, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड, कल सुबह का जब सूरज निकलेगा तब बहुत सारे स्कूल्स खुल चुके होंगे और उनमें से हमारा स्कूल भी है। कुछ स्कूल्स कुछ दिनों बाद खुलेंगे, विद्यालय खुलने वाले हैं और एक बार फिर से विद्यालयों के मैदानों में और उनके क्लासरूम्स में तरोताजगी आने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं। वैसे भी जो स्कूल की, विद्यालयों की शोभा होती है, जो रौनक होती है, वो स्टूडेंट्स से ही होती है। तो अब कल जब स्कूल खुलेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्कूल जाने में, कईयों का फर्स्ट डे होगा स्कूल में, है ना, और कई लोग जो हायर क्लासेस में हैं उनका बिल्कुल पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा पढ़ाई का मामला और सब कुछ। वैसे भी विद्यालय में जाकर हम शिक्षा, जो शिक्षा है, वो अर्जन करते हैं, अर्जित करते हैं और ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। मैं आप सभी से, खासकर जितने बड़े लोग जो मुझे सुनेंगे, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, जो बहुत उम्र के एक अलग पड़ाव में हैं, चाहे वो 20 30 में हो, 40 में हो, 50 में हो या उससे ऊपर हो, तो अपने स्कूल की यादें, यानी कि जब स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती थी, खासकर लंबी छुट्टियां, समर वेकेशंस, या जहाँ विंटर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशंस जब ख़त्म होने वाली होती थी, तब क्या उत्साह रहता था आप में? किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित रहते थे और क्या लगता था, क्या एक्साइटमेंट होती थी कि कल जब पहले दिन स्कूल खुलेगा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, क्या रहता था आपके मन में? ये ज़रूर आप सभी से सुनना चाहूँगा और ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, शेयर करना अपनी पुरानी मेमोरीज। शायद आपको भी अच्छा लगेगा जब आप उस कमेंट्स को लिखते लिखते पुराने दिनों में पहुंच जाएंगे, यानी कि अपने स्कूल डेज में पहुंच जाएंगे। यू विल बी बैक टू योर स्कूल डेज एंड वाइल राइटिंग ओवर द कमेंट बॉक्स यू विल फील दैट यू आर स्टिल अ चाइल्ड। आप अभी भी बच्चे हैं, तब आप फील करेंगे जब आप कमेंट लिख रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी सी हंसी होगी, थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, लेकिन कितने लोग सच लिखेंगे और कितने लोग, जो भी सच लिखेगा ना, उसका ज़्यादा, उसको ज़्यादा लगेगा, उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा और उसको उसको ज़्यादा गुदगुदाएंगी यादें। होता है ना, कई चीज़ें बना कर लिखते हैं, बनावट ही नहीं चाहिए भाई। आप जितना भी जो रियल में हुआ है या जो भी चीज़ होता था, वो जब लिखेंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है और वही चीज़ हमें असल में उत्साहित करती है और हमें हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारे अंदर लेके आती है। कल सुबह जैसे सूरज निकलेगा, यानी कि 1 जुलाई होने जा रही है, बहुत सारे स्कूल खुलेंगे, उनमें से हमारा एक स्कूल है, यानी कि आदर्श विद्यालय NIPVD देहरादून में, वो भी कल खुल रहा है। कल पहला दिन है तो आप तो भैया स्टूडेंट्स हैं, जब आएंगे तो आपको कई चीज़ें बदली हुई भी मिलेंगी, कई चीज़ें वैसे ही मिलेंगी। और जब आप ऑलमोस्ट 2 महीने के गैप के बाद में मिल रहे हैं, अपने टीचर्स से मिलेंगे और अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, सबसे बड़ी बात, जो बेंच में आपके बगल में बैठता होगा या डेस्क में आपके बगल में बैठता होगा उससे आप मिलने वाले हैं, या हॉस्टल में आपके बेड के बगल में, यानी कि आपका बड़ी जो होगा उससे मिलने वाले हैं आप। तो क्या सारा एक्साइटमेंट है, कैसे आप सुबह के सूरज से मुलाकात करने वाले हैं और कैसे अपने दोस्तों से मुलाकात करने वाले हैं, वो बहुत एक एक अलग तरह का, एक आपको तरंगित कर रहा होगा पक्का। आज की रात है बस, कितने लोग ऐसे होंगे जो आज सोएंगे भी नहीं और कहेंगे कि कल तो हम उससे मिलने वाले हैं। हमारा जो होता था, मैं अपनी बात अगर करूं, हालांकि स्कूल छूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जब भी हम स्कूल में समर वेकेशंस होती थी, लंबी वेकेशन हमारी समर वेकेशन होती थी, और उसके बाद जब वापस जाने वाले होते थे तो सबसे पहले, हालांकि हम लोग एक कंपाउंड में रहते थे, कैंपस में रहते थे, तो वो दोस्त अगर कोई हमारा क्लासमेट हो तो पहले मिल जाता था, हालांकि मिलते रहते थे क्योंकि आसाम राइफल्स के कैंपस में रहते थे, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं खासकर, उनको पहले दिन में जब मिलते थे, ओए होए होए, गजब का माहौल होता था। क्योंकि हम तो रहते थे हॉस्टल में और बाकी जब घर से आते तो सबसे पहले नज़र तो टिफिन पे ही जाती थी हमारी, कि आखिर क्या होगा टिफिन में, है ना। उसके बाद में सब देखते थे, अरे यार तू लंबा हो गया भाई, अरे तू बड़ा सही लग रहा है ना, और अपनी नई यूनिफॉर्म दिखाना और कुछ नया अगर आपने किया होगा तो वो चीज़ें दिखाना, ये रहता था। क्योंकि हमारे टाइम में उतना मोबाइल और ये सब होते नहीं थे, तो आजकल तो पिक्चर्स दिखा देते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें जो भी चीज़ दिखाना होता था, अगर मैंने छुट्टियों में कोई चीज़ अलग कर रखी है तो हम उसको लेके जाते थे, अगर बनाई है कोई चीज़ तो उसको लेके जाते थे। तो इस तरह से छुट्टियों का लेखा जोखा उस दिन मिलाते थे। और दोस्त या
फिर जो भी हमारे क्लासमेट्स हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो एक एक्साइटमेंट रहता कि यार आज मिलने वाले। और पहले दिन में जो सब लोग अलग अलग, मतलब बंठन के आते थे, बंठन के इन द सेंस की यूनिफॉर्म बढ़िया सी होगी सबकी, कईयों के बैग्स नहीं हो जाते थे, होता ना क्लास बदलने के बाद में बैग्स नहीं हो जाते थे। और उसके बाद उस दिन थोड़ा सा इजी होता था, तो शुरू के 2-3 दिन में थोड़ा सा इजी गोइंग रहता है, स्कूल भी तो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी, टीचर्स से मिलते थे तो टीचर्स भी अपने अपने जो भी उनने वेकेशंस बिताई हैं वो शेयर करते थे, और हमसे एक एक करके खड़े करके पूछते थे, सो व्हाट यू डिड ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, है ना, एक एक करके सुनते थे सबसे, फिर अपनी भी सुनाते थे। तो ये सब 2-3 दिन का चलता रहता था, और उसके बाद फिर से हम आ जाते थे अपने स्कूल के मोड में। कल वही दिन है, सुबह का सूरज निकलेगा, स्कूल के दरवाजे खोलेगा, स्कूल में जो पिछले 1-2 महीने से बंद था वो खोलेगा, एक नई रोशनी अंदर जाएगी, और उस रोशनी के साथ में नए कर्णधार, राष्ट्र के कर्णधार अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं कल, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने एक्सपीरियंसेस लिखना मत भूलना, और जितना हो सके अपना प्यार यूँ ही बढ़ाते रहो। चलो स्कूल चलें अब।